कांग्रेस कमेटी भदोही के जिला महासचिव जजलाल राय ने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा को दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। हर साल 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, लेकिन देश के कुछ भागों में इसे दीपावली के दूसरे दिन भी मनाया जाता है। श्री राय आज भदोही ब्लॉक अंतर्गत गिरिया बाजार में क्षेत्रवासियों के संयोग से दीप नारायण विश्वकर्मा की आवास पर भगवान श्री विश्वकर्मा जी की विशेष जयंती पर धूमधाम से मनाई जा रही पूजा के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उक्त बातें कहीं। श्री राय ने कहा कि इस त्यौहार को मुख्य रूप से कारखाने और औद्योगिक क्षेत्र में मनाया जाता है। इस दिन वर्कशॉप, मशीन, कारखाने, औजार, कार्यस्थल, दुकान आदि छोटे बड़े स्थान की साफ सफाई, वास्तु समुदाय के लोग, कारीगर, फर्नीचर शिल्पकारों की यंत्रिकी स्मित, वेल्डर, औद्योगिक श्रमिकों, कारखाने के श्रमिकों, विभिन्न मशीनों के सुचारू संचालन के लिए भगवान विश्वकर्मा की धूमधाम से पूजा करते हैं। पूजा के दिन को श्रद्धा पूर्वक मनोकामना पूर्ण की प्रार्थना करते हैं। श्री राय ने कहा कि भगवान श्री विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार, उन्हें स्वयं भू और विश्व का निर्माता माना जाता है। उन्होंने द्वारिका के पवित्र शहर का निर्माण किया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण शासन किया। पांडवों का माया सभा और देवताओं के लिए भी कई शानदार हथियारों के निर्माता थे। उन्हें निर्माणकर्ता, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जगतकर्ता ईश्वर कहते हैं। इन्हीं से 5 वैज्ञानिक निर्माणकर्ता हुए। अनेक वैज्ञानिक निर्माणकर्ता हैं। श्री राय ने कहा कि देश भर में श्री विश्वकर्मा की प्रतिमाएं और चित्र सामान्यतः प्रत्येक कार्यस्थल और कारखाने में स्थापित किए जाते हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और पूजा के दूसरे दिन हर्षोल्लास के साथ सभी लोग विश्वकर्मा की प्रतिमा विसर्जन करते हैं। श्री राय ने कहा, कांग्रेस कमेटी भदोही की ओर से भगवान श्री विश्वकर्मा जी की इस जयंती पर पूजन विधि के विशेष शुभ अवसर पर सभी क्षेत्रवासियों व शिल्पकारों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। इस मौके पर चंद्रशेखर विश्वकर्मा, दीप नारायण विश्वकर्मा, जग्गू विश्वकर्मा, बग्गड़ विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे।